हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, ये रीडिंग जनरल एडियर कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, डायरेक्ट मैसेजेस ले रहे हैं। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, तो प्लीज यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के दिल में वरी, ग्रैटिट्यूड, फियर, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, डिनायल, एम्पैथी, लोनलीनेस एंड द फ्रेंडशिप। तो क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए भी रेडी हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वरी भी हैं एंड आपके साथ डिनायल मोड में भी है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसके वजह से वो डिनायल कर रहे हैं। अगर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो तो फियरफुल भी हैं अगर थर्ड पार्टी है, या फिर आप दोनों में बातें नहीं हो रही है तो कहीं आप मूव ऑन ना हो जाओ, क्योंकि यहाँ लोनलीनेस की एनर्जी है, मूव ऑन ना हो जाओ तो इसका इनको डर ज़रूर है, फियर ज़रूर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअली जो हैं सरेंडर भी हैं एंड ग्रैटिट्यूड करते हैं कि आप उनके लाइफ में आए। इस बात को लेकर ग्रैटिट्यूड ज़रूर है कि आप उनकी लाइफ में आए। आपको लेकर आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा कंपैशनेट वाली एनर्जी है, बहुत लविंग केयरिंग वाली एनर्जी है। आप को ऐसा देखते हैं कि आप बहुत लविंग केयरिंग वाले इंसान हो, आपने इस पर्सन को बहुत सारा प्यार किया है एंड बहुत सारा प्यार दिया है, जिसको लेकर ये ग्रैटिट्यूड भी है। लेकिन फियरफुल है कि आप मूव ऑन ना कर जाओ, वरी हैं कि आप दोनों के बीच में जो झगड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डिसीज़न ले, क्या ले ना करे, कमिटमेंट देना है नहीं देना है, क्योंकि आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर, चैलेंजेस, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, जिसके वजह से डिसीज़न लेना हो सकता है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इसलिए इनडिसाइसिव भी हो सकते हैं। आप दोनों फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं एक दूसरे के, और बहुत अकेला तन्हा वर्गों की एनर्जी है, वर्गों की एनर्जी है, अकेला तन्हा बेचारा फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉन की एनर्जी है, बहुत फियरफुल हैं आपके, एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, वरी की एनर्जी है। तो क्या उनके दिल में चल रहा है, तो वरी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें इनवर्स, वरी की एनर्जी क्यों है। वरी की एनर्जी को एट ऑफ वैंस की एनर्जी है एंड द नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है। तो वो आपको कॉन्टैक्ट कब करे माई डियर, ये उनके दिल में चल रहा है और इसको लेकर उनको टेंशन हो रहा है कि कब वो आपको कॉन्टैक्ट करे, कब वो आपसे बातें करे, कब वो आपकी तरफ आपको मिलने के लिए आए। आप उनका कॉल मैसेज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, आप उनसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं एक मन चले टाइप के रहे हैं। मिस आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है एंड आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा वरी है, टेंशन में ज़रूर है कि रिस्पांस क्या आएगा आपकी तरफ से।
आपकी तरफ से क्या उनको रिस्पॉन्स आने वाला है इसको लेकर वो टेंशन में है, क्योंकि आपके पर्सन पास्ट में मन चले टाइप के रहे होंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन बना के रहे होंगे, सीरियसली ये इन्वॉल्व रिलेशनशिप में नहीं होंगे, मीन्स कमिटेड रिलेशनशिप जैसा इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया होगा, जिसके वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा वरी ज़रूर हैं कि रिस्पॉन्स क्या होगा अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो। अगर जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप लोग क्लेम कर सकते हैं माय डियर, जो लोग बातें कर ही रहे हैं तब डेफिनेटली आपकी बातों से भी डरते हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है आपको तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स क्या आएगा आपका, कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बोलना चाहते हैं वो आपसे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स से वो डरते हैं। अगर आपने कमिटमेंट मांगा है और ये मन चले टाइप के इंसान रहे हैं तो डरते हैं कि आप इन पे गुस्सा ना हो जाए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को क्लेरिफाई करें, बस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी की। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं सिचुएशनशिप को लेकर क्योंकि यहाँ हैंग्ड मैन है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मतलब इनके लाइफ में जब से आप गए हैं, अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है या बहुत पेनफुल एंडिंग आप दोनों के लाइफ में, एक पेनफुल एंडिंग हुई है अगर आप दोनों का इस रिलेशनशिप में, या सिचुएशन से फुल्ली रूप से हैंग्ड है, दिल तोड़ा है अगर आपके पार्टनर ने आपका, तो अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही उनको ग्रैटिट्यूड फील कराते थे, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप इस पर्सन के दिल की हालत बहुत अच्छे से समझते होंगे, यानी आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनके लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन रहे हैं, एक सनलाइट की एनर्जी के जैसा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, आपने हमेशा इनको एनर्जाइज किया है, एनर्जेटिक वे में इनको इनलाइटन फील कराया है, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, जब से आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन आया है, जब से आप दोनों के बीच में ब्रेक आया है, इनके लाइफ में वो ग्रैटिट्यूड, इनके लाइफ में वो हैप्पीनेस, इनके लाइफ में वो खुशियाँ ही नहीं हैं जिसको लेकर वो ग्रैटिट्यूड करते थे, अब वो ग्रैटिट्यूड आपको लेकर ये ग्रैटिट्यूड करते थे कि आप इनकी लाइफ में हो, अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में है माय डियर, या आप दोनों में पूरी तरह से सेपरेशन है या पूरी तरह से नो कांटेक्ट है, अब वो ग्रैटिट्यूड इनकी लाइफ में नहीं है, बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए लोनलीनेस का की एनर्जी आई है, अकेलापन की एनर्जी, क्योंकि इनकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ स्टक हो गई हैं, सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई है, दिल टूट गया है इनका जब से आप इनकी लाइफ से निकले हो, क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन थे जो इनको आपने इतना सपोर्ट किया था, लाइक अ ग्रैटिट्यूड बोलते ना, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो आपका एटीट्यूड ही ऐसा था लाइक अ ग्रैटिट्यूड। तो आपका जो एटीट्यूड, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, आपका एटीट्यूड ही ऐसा रहा है लाइक अ ग्रैटिट्यूड के जैसा, और जब से आप इनकी लाइफ से निकल गए हैं तब से वो चाम ही नहीं रहा, वो ग्रैटिट्यूड ही नहीं रहा, वो एटीट्यूड ही इनका ख़त्म हो गया। तो फिर से मैं एक कार्ड और लूँगी, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्यों है, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, हैरोफेंट की एनर्जी, वो आपसे मैरिज और कमिटमेंट डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन जब से आप इनके लाइफ से चले गए हैं तब से वो ग्रैटिट्यूड मतलब आपको पाकर आपको वो स्पाउस बनाना चाहते हैं। जिस दिन आप इनके स्पाउस बन जाएंगे उस दिन उनको ग्रैटिट्यूड फील होगा खुद पर, वो गॉड का, अपने स्पिरिट गाइड का, अपने
अपने स्पिरिट गाइड का, अपने जिस डिवाइन को भी ये मानते हैं उसका ये ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली करेंगे कि आप इनकी लाइफ में हो, ये सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर आप इनकी लाइफ में हो तो। लेकिन अभी आप इनकी लाइफ में नहीं हो, जिसके वजह से आपके जो पर्सन है वो पेनफुल एंडिंग, यानी पेनफुल क्योंकि थ्री ऑफ सोर्स की भी एनर्जी थी, पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है लाइफ के मेजर लेसन सीख रहे हैं, वो आपके साथ सक्सेस के लिए मेजर लेसन सीख रहे हैं, क्योंकि आपके बिना वो अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। फियर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, किस बात को लेकर फियर है, फियर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस की एनर्जी है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून की, तो फियर इस बात को लेकर है क्योंकि बहुत टाइम से पेशेंस बना के रखा है आपने, इस रिलेशनशिप में बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की है, जिसके वजह से आप दोनों के सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंस ज़रूर हुआ है, यानी कि डिवाइन के वजह से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस इंसान को दिया है। आपके पर्सन हमेशा टेकर वाली एनर्जी में रहे हैं, हमेशा मन चले टाइप के या मन चली टाइप के रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा उन्होंने क्रिएट किया है, कभी भी ये रिलेशनशिप को लेकर सीरियस रहे ही नहीं है, जिसके वजह से आप हर्ट हुए हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, या फिर कोई भी स्टेबिलिटी जैसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया होगा, ना ही उन्होंने ऐसे प्रॉमिसेस किए होंगे कि जिससे कि आपको ये फील हो सके कि आपका पार्टनर आपको लेके सीरियस भी है या नहीं है, आपको प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। हमेशा आप डाउटफुल ज़रूर रहते होंगे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं एंड डिवाइन इंटरवेंस हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा आप प्योर हार्टेड होकर किसी भी इंसान को इतना एनर्जी दोगे जो भी जो जेन्युइनली डिज़र्व ही नहीं करता है, और आपने इसको इनको इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना लव दिया है, जिसके वजह से डिवाइन को आना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन डिवाइन तो जानते हैं ना कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं इस प्यार में, मेरे जो व्यूवर्स हैं कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन ने आपका सपोर्ट किया है, और यही वजह है कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करो, सामने वाले को एक सीख ज़रूर मिलनी चाहिए कि उसे रिलेशनशिप में रहना भी है या नहीं रहना, किसी के इमोशन के साथ खेलना हद से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक कर्मा क्रिएट करता है, जो भी कोई मिशंस के साथ खेलता है उसका कर्मा मिलता ही मिलता है, और यही वजह है क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत टाइम से रिकंसिलेशन नहीं हो रहा है, इंतज़ार पे इंतज़ार, इंतज़ार पे इंतज़ार, जिसके वजह से उन्हें ऐसा लगता है कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि सिचुएशन सिर्फ ठीक ही नहीं हो रहा है, सिचुएशन ठीक नहीं होगा तो रिलेशनशिप कैसे ठीक होगा, और उसके ठीक होने के चांसेस में अगर देरी होती है, टाइम लगता है, पेशेंसफुल इंतज़ार करना है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को डर भी लगता है कि आप किसी और से मैरिज ना कर ले या किसी और के साथ कहीं आप मूव ऑन ना कर लें, क्लियर मैसेजेस है कि आप मूव ऑन ना कर लें, क्योंकि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर है कि उन्होंने कितना एफर्ट्स इस प्यार में लगाया है उन्होंने, तो डिनायल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें बस। तो डिनायल की एनर्जी है क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स एंड ये सब, तो उन्हें क्लैरिटी से पता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हार्डवर्क करना होगा तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, अगर वो हार्डवर्क नहीं करते हैं तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा।
तो आपके पर्सन को ये क्लियरिटी ज़रूर है कि अब डिनायल करने से कुछ नहीं होगा, क्लियरिटी के साथ अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो काम करना पड़ेगा। और इसी को लेकर वो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव भी हो सकते हैं, डिनायल भी हो सकते हैं, तो आपको वो कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन ज़रूर है कि हाँ इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस है और चैलेंजेस के वजह से हार्डवर्क भी है। नॉर्मल रिलेशनशिप के जैसा आपका रिलेशनशिप नहीं है, आपका रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, आप चाहे वो रिलीजियस फैक्टर हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। इम्पाथ की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। इनवर्स पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली है। आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी मानते हैं कि आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं एंड आपकी तरफ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ये ज़रूर करना चाहते हैं। आपको लेकर ये पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव भी है क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया है, लाइक अ चाइल्ड के जैसा आपने इस पर्सन को प्यार किया है। अपना प्योर लव एंड अफेक्शन या फिर अनकंडीशनल प्यार आपने इस पर्सन को दिया है और इस बात को आपके पार्टनर को पता है। वो इस नो कांटेक्ट में अब नहीं रहना चाहते हैं, वो आपको सॉरी कह के रिलेशनशिप में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, तो एक अपॉलोजी आपकी तरफ आ सकती है और बहुत जल्द वो अपॉलोजी आपकी तरफ आ सकती है। 8 वीक में आ सकती है, 1 मंथ में आ सकती है या फिर 1 डेज में भी आ सकती है। लोनलीनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। बस लोनलीनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। जो स्टार की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर आपने इनको छोड़ कर गए हैं, अगर आपने इनको छोड़ दिया है क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या फिर कमिटमेंट के प्रोमिसेस किए वो निभा नहीं रहे थे, तो अगर आपने इनको छोड़ा है तो आपके पर्सन जो है पेशेंसफुली इस रिलेशनशिप में आपके लौटने का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं कि, और इसके लिए वो बहुत ही होपफुल है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि आप इस रिलेशनशिप में आएंगे ज़रूर, आप इस रिलेशनशिप में आएंगे ज़रूर, क्योंकि आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया वाला अफेयर हो सकता है, यानी कि सोशल मीडिया पे मिले होंगे एंड सोशल मीडिया पर ही आप ज़्यादा बातें करते हैं। तो उन्हें बहुत होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि ये आपको स्पाई भी करता है और बहुत जल्द करेंगे, कल कर सकते हैं, यानी कल परसों, यानी 1 वीक के अंदर आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है अगर आपकी बातें नहीं हो रही है तो। और बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, आपको माफ़ी अपॉलोजी ज़रूर मांगेंगे, फॉरगिवनेस आपसे ज़रूर चाहते हैं। तो फ्रेंडशिप की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे। 6 of Pentacles एंड द पेज ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं कि वो इस प्यार को मिस नहीं करना चाहते हैं, वो इस प्यार को दूर जाने देना नहीं चाहते हैं। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं तो वो आपके साथ एज अ फ्रेंड भी रह सकते हैं एंड एज अ फ्रेंड वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना ज़रूर चाहते हैं, यानी कि फ्रेंडशिप से ही इस रिलेशनशिप की फिर से न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एज अ फ्रेंड भी वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि जिससे कि वो आगे चल के इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल आगे ज़रूर लेके जाएं, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे जो प्यार है वहाँ इस रिलेशनशिप को ज़रूर लेके जाए कि जिससे आपका भरोसा वो जीत पाए एंड फिर से इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकें। तो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग साइन टॉरस का हो सकता है, सेजिटेरियस का हो सकता है, एक्वेरियस का हो सकता है। तो डैमेज की एनर्जी है, तो इनके वजह से ही सारी चीज़ें डैमेज हुई होगी, रिलेशनशिप में मैस क्रिएट इन्होंने किया क्योंकि ये कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे या टाइम और एनर्जी नहीं दे रहे होंगे, जिसके वजह से आप मेरे व्यूवर्स बहुत हर्ट हुए हैं। इनका ईगो के वजह से ये सारी चीज़ें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि हर चीज़ ये ईगो से ही डील करते हैं। आपके पर्सन का सन इन 8th हाउस हो सकता है जहाँ, या फिर सन इन 7th हाउस हो सकता है जहाँ आपके पर्सन में एग्रेशन ही, यानी कि डिप्लीटेड सन की निशानी है ये ईगो।
कॉन्वर्सेशन कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या कर चुके होंगे, नहीं तो ये एक वीक के अंदर आपको कॉन्वर्सेशन यानी ये एक वीक के अंदर आपको ये पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट करते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ आपके पास इनका कम्युनिकेशंस आया। तो गिल्ट है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, गिल्ट है, रिग्रेट है, डेस्टिनी वो आपको अपनी मानते हैं कि आप इनके लाइफ में एक डेस्टिनी के जैसे हैं, एंड सबोटाज अपनी एनर्जी को ये सबोटाज कर रहे हैं, यानी कि खास तौर से अपनी फीलिंग्स को ये सबोटाज कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं, एंड डे ड्रीमिंग नाइट ड्रीमिंग वो ज़रूर कर रहे हैं। मिस्टेक्स उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स ज़रूर किए हैं रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप हर्ट हुए हैं, क्योंकि इनको रिलेशनशिप डील करने ही नहीं आया, जिसके वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई आप दोनों के बीच में। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है चलिए देख लेते हैं। ऐसी सिचुएशंस में मेरे व्यूवर्स के लिए द राइट गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए द राइट गाइडेंस। रिकंसिलेशन, तो रिकंसिलेशन के लिए तैयार रहिए, फिर आपको जैसे रिलेशनशिप डील करना होगा वैसे कीजिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए अगर आपको चांस देना है तो, ये आपका डिसीजन है क्योंकि जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो रिकंसिलेशन होगा, गिव इस रिलेशनशिप में चांस देना है तो ज़रूर दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए क्योंकि जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप इस रिलेशनशिप को एक चांस जरूर दे सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करके मुझे मोटिवेट करें एंड सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें। एज अ हीलर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।